पहुज नदी में मध्य प्रदेश से पानी छोड़ने के कारण से कल से जनपद में बाढ़ आई हुई है। कल बहुत भीषण रूप से सलैया बुजुर्ग गांव घिरा हुआ था, आज भी घिरा है और रात से मऊ गांव पूरा चारों तरफ से घिर गया है। बहुत सारा यहां लोगों का नुकसान हुआ है, तमाम घर गिर गए हैं, तमाम जानवरों का भी पानी में डूब गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन की, मैं समझता हूँ, उनकी सक्रियता के कारण से, पूर्व अलर्ट होने के कारण से कहीं भी जनहानि की कोई अभी तक सूचना नहीं है। मैं जिलाधिकारी जी को, पूरे जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए पहले से ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। आज हमारी सलैया में भी नाव चल रही हैं, यहाँ मऊ में भी NDRF की टीम पूरी आ चुकी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनका सामान निकाला जा रहा है, सारे लोग सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, ADM साहब, सारे लोग, SDM, सब लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जिनको जो भी आज लोगों को खाने का की सामग्री वहाँ घर जा जा के लोगों को वितरित की जा रही है, जिनका जो नुकसान हुआ है उसको सर्वे करा करके जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जी और हम लोग पूर्ण रूप से सतर्क हैं। देखिए, राजघाट और माता टीला से जो पानी छोड़ा गया है उससे पहुज नदी में जलस्तर एकाएक बढ़ गया है। तो हम लोग, चूंकि पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती है जिस तरह बारिश हो रही थी, आज यहाँ गाँव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने, रहने और चिकित्सा आदि के प्रबंध किए जा रहे हैं। और साथ ही SDRF की जो टीम है हमारी, वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है, मुश्किल से 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएगी। नाव की व्यवस्था कर ली जा रही है ताकि कोई किसी कहीं किसी स्तर पर कठिनाई ना हो। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से गोवंशों के लिए, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, और जो घर गिर गए अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं उनके लिए उनको अहेतुक सहायता, ये जो शासन से जो है वो तुरंत इनको दी जा रही है।